जैसा कि आपको मालूम है कि इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और यहां से 20 से अधिक एम्बुलेंसेज वहां से पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त 3 अतिरिक्त एम्बुलेंसेज में कंज्यूमेबल्स जो भी लॉजिस्टिक वहाँ लगेंगे वो भेजे गए हैं। मेडिकल कॉलेज और चिरायू मेडिकल कॉलेज की एक एक स्पेशलिस्ट टीम भी वहाँ गई है जो अपने साथ कंज्यूमेबल्स लेके गई हुई है। और यहाँ पर अगर पेशेंट रेफ़र होके आते हैं तो मेडिकल कॉलेज में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी का यूनिट उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और 50 अतिरिक्त बेड्स की जरूरत व्यवस्था अधीक्षक हमीदिया अस्पताल द्वारा इसके लिए की गई है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक खुद इसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह से एम्स में भी 10 बेड्स का वेंटिलेटर के साथ एक बर्न यूनिट तैयार की गई है जिसकी देख रेख वहाँ के डायरेक्टर और साथ में मेडिकल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह से अगर घटना हुई है जो भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे उनको कोई तकलीफ ना हो और तुरंत उनका इलाज शुरू हो सके उसके लिए पूरी तैयारियाँ की जा चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा था। बिल्कुल, अभी जिला प्रशासन ने जिससे कोई भी पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो इसलिए ये हिदायत दी है कि इनको कहीं पर भी रुकने की आवश्यकता ना हो और ये सीधे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स पहुँच सकें।